आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिसका जन्म अछूत जाति में हुआ, लेकिन वो शख्स दुखी होकर मरने के पहले ही अपना धर्म बदल लिया, जिसने ताउम्र देश के अछूत जातियों के उनका हक दिलाने में बिता दिया, लेकिन वे पूरे तरह से सफल नहीं हो सके। हम बात कर रहे हैं संघर्ष, मेहनत और सफलता के मिसाल दिए जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने संविधान को लिखा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है। आज हम उनसे जुड़े कुछ अनकहे अनसुने पहलुओं पर बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर स्थित मेहू गांव के दलित परिवार में हुआ। बाबा साहेब बचपन से ही अछूत भेदभाव के दंश को झेलते आए थे। बाबा साहेब अपने स्कूल में इकलौते बच्चे थे जो दलित थे। जब वे स्कूल जाते तो उनके शिक्षक उनसे कहा करते कि आप अपने साथ बोरी लेकर आइए, जिसमें वो बैठकर अपनी पढ़ाई कर सके। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर में पीने के लिए लगाए गए नल का उपयोग भी करने से उन्हें मना कर दिया गया था। उनके लिए एक मिट्टी का मटका रखा गया था, जिसे प्यून उस मटके से पानी निकालकर बाबा साहेब को दिया करते थे, जिसके बाद बाबा साहेब अपनी प्यास बुझाते थे। और जब कभी प्यून स्कूल नहीं आता तो बाबा साहेब को पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। पैसे के अभाव में उनके भाई को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। भीमराव अंबेडकर अपनी लगन और मेहनत को बरकरार रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा और उन्हें महाराजा ऑफ बड़ौदा का एक स्कॉलरशिप मिला। सन 1918 में वो कोलंबिया ऑफ यूनिवर्सिटी में बीए की पढ़ाई करने के लिए चले गए, जिसके बाद लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री ली। भारत के वो पहले नागरिक थे जिन्होंने विदेश जाकर अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी की थी। उस जमाने में बाबा साहेब सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बाबा साहेब के पास कुल 32 डिग्रियां थी। बाबा साहेब 9 भाषाएं जानते थे और 21 सालों में उन्होंने सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। वे संस्कृत में वेद को पढ़े और उन्होंने अपना तर्क दिया कि सबसे वर्थलेस किताब है वेदास। बाबा साहेब के पास किताबों का संग्रह हुआ करता था। इनसाइड एशिया के मशहूर लेखक जॉन गुंथर अपने लेख में लिखते हैं कि जब 1938 में उनकी मुलाकात बाबा साहेब से हुई थी तो उनके पास कुल 8000 किताबें हुआ करती थी और मृत्यु के बाद किताबों की संख्या बढ़कर 35000 हो गई थी। बाबा साहेब अपनी किताबें किसी को भी उधार नहीं दिया करते थे। वो कहते थे अगर किन्हीं को उनकी किताबें पढ़नी है तो उनके पुस्तकालय में आकर पढ़ सकते हैं। तिरंगे झंडे में अशोक चक्र लगाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जब हिंदू धर्म से जाति प्रथा को वो खत्म नहीं कर सकते तो उन्होंने गुस्से में आकर एक बात कही थी, मैं हिंदू में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। सन 1956 में जब बाबा साहेब हिंदू धर्म को बदल कर बौद्ध धर्म में चले गए तब उनके साथ लाखों दलितों ने अपना धर्म बदल लिया था। बाबा साहेब से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की दो महान शख्सियत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, इन दोनों में कभी नहीं बनी। कई मुलाकातें भी हुई पर इनकी मुलाकातों में भी तनाव बरकरार रहा। आजादी के 2 दशक पहले अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से खुद को अलग थलग कर लिया था। 14 अगस्त 1931 को जब अंबेडकर की मुलाकात गांधी जी से हुई तो गांधी जी ने उनसे कहा, अछूतों की समस्याओं को लेकर मैं तब से सोचता आ रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि इसके बावजूद तुम मुझे उनके हितैषी क्यों नहीं मानते। अगर सही मायने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम सब ट्रिब्यूट करना चाहते हैं तो उनके विचारधाराओं, उनके आदर्शों पर हमें चलना होगा।